डीएम मिर्जापुर ने मां विंध्यवासिनी के धाम में लगाया झाड़ू। यहां मिर्जापुर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन अपनी टीम के साथ पहुंची मां विंध्यवासिनी के दरबार विंध्याचल धाम। वहां उन्होंने गलियों और गंगा घाट किनारे श्रमदान करके साफ सफाई की और उसके बाद वृक्षारोपण भी किया। गौरतलब है कि आज पूरे प्रदेश में श्रमदान कार्यक्रम करके स्वच्छता का संदेश दे रही है प्रदेश सरकार। प्रदेश सरकार के निर्देश पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम के तहत श्रमांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश और इस कार्यक्रम के तहत अधिकारी और जनप्रतिनिधि के साथ साथ आम जनता भी साफ सफाई में सहयोग करके लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है। मिर्जापुर की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन विंध्याचल स्थित माँ विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंची और वहाँ गंगा किनारे घाटों की सफाई करने के साथ साथ गलियों में भी सफाई अभियान चलाया। इस दौरान उनके साथ सदर विधायक रत्नाकर मिश्र के अलावा स्वच्छता विभाग की टीम और आमजन भी मौजूद थे जो उनके सहयोग में लगे रहे। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि श्रमांजलि कार्यक्रम के तहत स्वच्छता ही सेवा का संदेश देने हेतु आज पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मैं माँ विंध्यवासिनी के दरबार में जहाँ इस अभियान में लगी हूँ तो वहीं पूरे जनपद में अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी अपने अपने क्षेत्र में इस अभियान को सफल बनाने और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को श्रम का महत्व बताने के साथ साथ स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। स्वच्छता कार्यक्रम के बाद उन्होंने सदर विधायक के साथ वृक्षारोपण का भी काम किया। यूपी न्यूज 9 के लिए मिर्जापुर से राजू भारती की रिपोर्ट। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर श्रमांजलि कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा है जो है शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत सभी लोगों ने अपना अपना श्रमदान जिस क्षमता में संभव है वो देना है और उसी क्रम में आज माँ विंध्यवासिनी के धाम में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहाँ माननीय विधायक शहर और हमारी टीम और समस्त अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया और इसके साथ ही जनपद में विभिन्न स्थानों पर सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी और जिले का एक कार्यक्रम अभी भूना में जहाँ माननीय मंत्री महोदय भी प्रतिभाग करेंगे प्रस्तावित है। इस प्रकार आज जो है सभी लोगों को जो श्रम की महत्ता है उसका बारे में बताने के लिए और सभी लोगों का स्वच्छता में सहयोग प्रदान करने के लिए हमारे परिवेश को स्वच्छ रखने के लिए ये श्रमांजलि और स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम किया जा रहा है।